तो छात्रों आज हम पद्य क्रमांक चार छापा इस पद्य पर प्रसिद्ध कुछ कृतियां देखेंगे। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्य पर परीक्षा में 6 अंकों के लिए कुल मिलकर 6 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-2 अंकों के लिए 2 कृतियां दी जाती हैं और 2 अंकों के लिए सरल भावार्थक प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न पहला संजात पूर्ण कीजिए, संजात पूर्ण कीजिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर छापा मारने वालों द्वारा कवि से मांगी गई चीजें ऐसा ये 2 अंकों के लिए प्रश्न संजात पूर्ण कीजिए ऐसा प्रश्न। और हमें 4 चीजें 4 चौकों में लिखे तो छापा मारने वाले वालों द्वारा कवि से मांगी गई चीजें कौन कौन सी चीजें मांगी थी छापा मारने वाले लोगों ने। तो ये उत्तर हमें कविता की पंक्तियां पढ़कर उसका उत्तर हमें ढूंढना है। मैं सबसे पहले कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ उसमें से आप ढूंढकर लिख सकते हैं। मेरे घर छापा पड़ा छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है, मैंने कहा मेरी आंखों में है कई रात से नहीं सोए, वे रोज में आकर बोले स्वर्ण दो, मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने कारों में बिखरे हैं उन्हें कैसे दे, वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए अर्थ, मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविता में है तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ, वे कड़कर बोले चांदी कहाँ है, मैं भड़ककर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, वे उद्भ्रांत होकर बोले ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। तो चलो ये जो कविता की पंक्तियां हैं इन कविता की पंक्तियों में इस सवाल का जवाब है छापा मारने वालों द्वारा कवि से मांगी गई चीज। पहले उन्होंने क्या मांगा था सोना कहाँ है, तो यहाँ पर हमें उत्तर देना है सोना। दूसरा उत्तर चांदी, चांदी की उन्होंने मांग की थी। तीसरा उत्तर अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ, अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ अपने पैसा। और चौथा नोट, नोट कहाँ है नोट। तो ये जो उत्तर है ये उत्तर कहाँ से ढूंढ कर लिखे हमने कविता की पंक्तियों में से ढूंढ कर लिखे। तो हमें इस प्रकार ये जो संजात पूर्ण कीजिए इसके उत्तर हमें इस तरह से लिखने हैं। अगली पंक्ति कनस्तर
मटके हैं। तो आयकर विभाग के लोग पहले शयन कक्ष में चले गए, वहाँ की टूटी अलमारी देख ली, फिर रसोई घर में चले गए, रसोई घर की पीपियों को उन्होंने टटोला, उसमें भी कुछ नहीं था। इतने उन्होंने बच्चों के गुल्लक तक देख लिए, कनक स्तर देख लिए, उसमें भी उन्हें कुछ धन नहीं मिला। तो ये उत्तर है, ये वस्तुएं खाली थी, कवि के घर की ये जो वस्तुएं थी वह खाली थी। अगला शयन कक्ष में पाई गई चीजें, शयन कक्ष में पाई गई चीजें चीजें तो शयन कक्ष में कौन कौन सी चीजें पाई गई थी? फटा हुआ तकिया, फटा हुआ तकिया। तो अगला दूसरा, टूटी हुई अलमारी, अलमारी। तो ये आयकर विभाग के लोग ओम प्रकाश आदित्य जी के घर पर चले गए थे, वे घर में घुसे थे, पहले वे शयन कक्ष में चले गए। शयन कक्ष में जाकर उन्होंने फटे हुए टूटे हुए तकिए ले लिए, उसमें से वे रूही रूज। उसके बाद वे कहां चले गए थे? टूटी हुई अलमारी की ओर चले गए थे। ये शयन कक्ष में दो ही चीजें थी। अगला पद्यांश में प्रयुक्त दो रस, प्रयुक्त दो रस। तो पद्यांश में प्रयुक्त दो रस, कल हमने उसके बारे में चर्चा की है, जो रस होते हैं नौ रस है। तो पद्यांश में कौन से दो रसों का उल्लेख हुआ है? तो कविता में, कविता की पंक्तियां पढ़नी है और पंक्तियां पढ़कर कौन कौन से दो रसों का उल्लेख हुआ ये हमें देखना। एक है रौद्र रस, रौद्र रस, और दूसरा करुण रस, करुण रस। इस प्रकार तो चलो, इस प्रकार हमें एक त्रुटियों को पूरा करना, एक अंक के लिए इसका आदान है और इसका आदान है, इसका कुल मिलकर यह दो अंकों के लिए एक कोटि दी जाती है। तो हमें उत्तर इस तरह से लिखने हैं। अगला, अगला प्रश्न, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, प्रवाह तालिका। तो ये दो अंकों के लिए ऐसी पूर्ति दी जाती है, इसमें नंबर एक छापा मारने वाले, मारने वालों में आया परिवर्तन, इस प्रकार हमें उत्तर चौकोर में लिखना है। ये प्रवाह एक के बाद एक उत्तर में इस चौकोर में लिखना है। तो छापा मारने वालों में आया परिवर्तन, तो आयकर विभाग के लोग
कवि के घर में आ गए थे, कवि के घर में कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी ना मिलने पर उनमें जो परिवर्तन आया था, उनके मन में जो परिवर्तन आया था, वो परिवर्तन देखो, पहले उनका चेहरा क्रोधित था, उसके बाद परिवर्तन हो गया, उनका खिला चेहरा मुरझा गया, उनका खिला चेहरा मुरझा गया। पहले वे प्रसन्न थे, नोट का है नोट, खुशी में बोल रहे थे, स्वर्ण दो स्वर्ण, खुशी के तौर पर कवि को डांट रहे थे, लेकिन उनके घर में कुछ भी नहीं मिलने पर उनके मन में परिवर्तन आ गया, उनका खिला हुआ चेहरा क्या हो गया, मुरझा गया। अगला, हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया, समा गया। बोले क्षमा किसे गलती के लिए, क्षमा कीजिए गलती के लिए, और अंतिम असफलता पर मन ही मन पछताने लगे, असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। तो यह प्रवाह तालिका इस तरह से हमें पूरी करनी है, आयकर विभाग के लोगों के मन में कौन सा परिवर्तन आ गया, उसके हृदय में जो परिवर्तन हुआ था, उसके हृदय में कब परिवर्तन हुआ था, कवि के घर में कुछ भी धन न मिलने पर उनके हृदय में परिवर्तन आ गया था, वे निराश हो गए थे, निराश होकर उनके हृदय में परिवर्तन आ गया। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, फिर से लिखिए। ऐसा ये दोनों का ये प्रश्न होता है, तो उत्तर हमें लिखने हैं, प्रश्न मुद्राएं आ मेरे डैश पर देख लीजिए। यहां पर विकल्प दिए जाते हैं, विकल्प है मुख, हाथ, घर। तो यहां पर तीनों में से एक विकल्प चुनकर हमें इस वाक्य को पूरा करना है। मुद्राएं आप मेरे डायग्राम पर देख लीजिए, तो सही विकल्प कौन सा है छात्र, सही विकल्प मुख है, हाथ है या घर है, तो सही विकल्प है मुख। तो हमें उत्तर लिखना है यहां मुख और उसके नीचे बादल विकल्प लिखना है। तो इस प्रकार ये उत्तर इस तरह से लिखना है, हमें एक आप मिल जाता है। दूसरा, पर सब में मिला एक ही डैश खाली, विकल्प दिए हैं राज अब्लिक तत्व
तो चलो सही उत्तर कौन सा है, राजा तत्व या सिक्का है, तो कौन सा सही उत्तर, तत्व। इस प्रकार हमें ये उत्तर इस तरह से लिखना है। तो यह उत्तर हमें ये एक प्रश्न एक विकल्प पूरा करके वाक्य को फिर से लिखना है। कुछ छात्र क्या करते हैं, उत्तर का ये निशान लगा देते हैं और मुंह, ये अधूरा उत्तर है। तत्व एक ही शब्द इतना ही लिखते हैं तो ये गलत है। ऊपर सूचना दी है सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण फिर से लिखिए, पूर्ण कीजिए, इसे सूचना होते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो कुछ छात्र क्या करते हैं, अधूरा किया गया जो शब्द है वही शब्द लिखते हैं, वाक्य नहीं लिखते, वाक्य दोबारा नहीं लिखते, ऐसे छात्रों को पूर्णा नहीं मिलती। अगला प्रश्न, अगला एक थोड़ा सा अलग और एक प्रश्न कविता पर पूछा जाता है, जोड़िया मिलाइए। जोड़िया मिलाइए, ये भी दो अंकों का प्रश्न होता है। जोड़िया दीजिए थे अगुट और बगुट, तो अगुट में नंबर एक अर्थ, नंबर दो स्वर्ण, नंबर तीन चांदी और नंबर चार मुद्रा। और बहुत में बालों में ब चेहरे पर, क नई कविता में, नई कविता में, और ड काव्य कृतियों में, काव्य कृतियों में। तो ये जो है अगुट और बगुट, तो हमें अगुट में जो आए हुए शब्द उनका उनकी जोड़ी बगुट में आए हुए कौन से शब्द से मिलती है, अर्थ, अर्थ की जोड़ी, अर्थ कहां मिल जाएगा क्योंकि अर्थ नहीं कविता। तो पूछा गया इस तरह से ये जोड़ी मिला था स्वर्ण काव्य कृतियों में इस तरह, तो यह जोड़ी मिलाने की पद्धति जो है यह गलत है। जोड़ियां कैसी मिलानी है, इस तरह से जोड़ी नहीं मिलानी है, तो जोड़ियां अलग मिलानी है। तो जोड़ी कैसी मिलानी है ये उत्तर के रूप में हम देख सकते हैं। तो अर्थ नहीं कविता में, स्वर्ण काव्य कृतियों में, काव्य कृतियों में, और चांदी कहां मिलेगी बालों में, और अंतिम मुद्रा चेहरे पर। तो छात्रों ये जोड़ी या मिलाने का जो प्रश्न है इसके उत्तर इस तरह से हमें लिखने हैं, अर्थ नहीं कविता में, स्वर्ण काव्य कृतियों में, चांदी बालों में, और मुद्रा चेहरे में। इस प्रकार जोड़ी मिलाई इस प्रकार का ये जो प्रश्न होता है इसका उत्तर हमें इस तरह से लिखना है। तो और कुछ कृतियां यहाँ पर दी है, कृतियां पूर्ण कीजिए और एक प्रश्न, कृतियां पूर्ण कीजिए, कृतियां पूर्ण कीजिए, ऐसा प्रश्न। देखिए कवि ने छापा मारने वालों से मांगा, वालों से
मांगा। तो क्या मांगा, क्या मांगा था जो उत्तर में लिखा है इस जो एक अंक की है उसकी है। कभी छापा मारने वालों से क्या मांगा, कुछ धन, कुछ धन, उनके घर में कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए कुछ धन मांगा और एक तख्त, एक तख्त। इस प्रकार उसका उत्तर हमें घर में लिखा है। संपन्न घर की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियां, संपन्न घर की स्थिति दर्शाने वाली तो उत्तर में इस चौकोर में। तो कविता में यह संपन्न घर की स्थिति दर्शाने वाली एक पंक्ति, एक पंक्ति का उल्लेख हुआ है। तो यह पंक्ति कहां से है, ये कविता की पंक्तियां पढ़कर हमें लिख लेना है। तो सबसे पहले मैं कविता की पंक्तियां पढ़ देता हूँ, उसमें से ढूंढकर लिख लीजिए। सिर झुकाकर वापिस जाने लगे, मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तो चलो ये जो कविता की पंक्तियाँ पढ़िए उसमें से संपन्न घर की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ कौन सी हैं, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। यहाँ पर ये पंक्ति लिखी है, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। ये संपन्न दर्शाने वाली पंक्ति है। तो छात्रों इस छापा इस कविता पर पूछी गई तुमने कुछ कृतियां देख ली है, आज के लिए हम